वाह क्या वेल्डिंग कर रहा है, अभी आपके सामने देखना एकदम अच्छे तरीके से वेल्ड है वो हो गया है। इसी मैंने मशीन से आपके सामने अभी लाइव किया है और अभी इनको दूर दूर करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो। ओ भाई ये नहीं होने वाला लग। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि क्या आपके पास वेल्डिंग मशीन है? नहीं। मुझे पता था कि लगभग 99% लोगों के पास वेल्डिंग मशीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसी पर्सन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, क्या आपको वेल्डिंग मशीन चाहिए? वायर आपको तो चाहिए लेकिन आपके पास है नहीं, इसका मीन्स क्या हुआ, इसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई है और मैं और आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बात सही है, तो क्यों ना इसको घर पे बनाया जाए। जी हां दोस्तों, आपने ट्रेलर तो जैसे देख लिया, अभी हम इसको बनाएंगे और पिक्चर भी दिखाएंगे, वो वाली पिक्चर नहीं, इसी प्रोजेक्ट की पिक्चर। चलिए दोस्तों बिना टाइम वाले वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करना और फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों इस धमाकेदार वेल्डिंग मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 18018 का ट्रांसफार्मर। आप चाहो तो 12012 का भी यूज कर सकते हो, 30030 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये मीडियम साइज का सही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें कहाँ से इनपुट देना है और कहाँ पर अपन को आउटपुट मिलेगा। दोस्तों इसका इनपुट सॉकेट ये है, इसके अंदर 6 वायर है और आउटपुट में 8 वायर है, दो सॉकेट होते हैं इसमें 5 और इसमें 3। लेकिन हमारे कौन सा काम आने वाला है, ये तो सारे यूपीएस के होते हैं, तो हमारे काम आने वाला है ब्लू और ब्लैक। इसमें हमें 220 वोल्ट एसी लाइट देनी है और यहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिलेंगे वो अभी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ कितने वोल्टेज आते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट एसी लाइट पर फिट कर देता हूँ और अभी हम चेक करते हैं ब्लू और रेड वायर की रीडिंग कितनी आ रही है। देखिए 7.6 आ रही है और इधर वाले ब्लू वायर के साथ अटैच करता हूँ तो ये देखिए 7.6 आ रही है, यानी सेम आ रहा है। लेकिन हम ब्लू की चेक करते हैं तो आएगी लगभग 15.7 अप्रोक्स, ये है 18018 का। थोड़ा बहुत मल्टीमीटर भी ऊपर नीचे कर देता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इनके अंदर मिलने वाले हैं हाई स्पार्क, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं ब्लू वायर को स्पार्क करता हूँ इसका स्पार्क देखिए कितना भयंकर होने वाला है। ये देखिए, ओ भाई ये देखिए कितना भयंकर स्पार्क हो रहा है दोस्तों, जैसा वेल्डिंग में होता है। और हम रेड और ब्लू वायर को अटैच करते हैं ना, ये देखिए इसका स्पार्क थोड़ा सा डाउन हो रहा है उसकी तुलना में, क्योंकि इनके अंदर थोड़े से वोल्टेज डाउन है, लेकिन एम्पियर बहुत हाई है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज दोस्तों आपको हैवी वायर का यूज करना है। फाइनली दोस्तों जैसा अभी आपने देखा कितनी हाई स्पार्क क्रिएट करता है, तो चलिए दोस्तों अब इसकी बॉडी तैयार करते हैं, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर ही हम इसका यूज कर पाएंगे। इसकी बॉडी के लिए मैंने एक प्लाईवुड कट किया जो कि इसके हिसाब से ही है और ये कुछ इस प्रकार से लगने वाला है सामने की साइड। वो भाई काफी ज्यादा हीट हो रखा है दोस्तों, ये हीट बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी हीट को अलग करने के लिए इसके अंदर एक फैन भी लगाना पड़ेगा, आप सीधा तो इसके ऊपर फैन लगा नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने छोटी सी एक बॉडी तैयार की है। ये देखिए कुछ इस प्रकार की बॉडी है, आप अपने हिसाब से इसको लुक रख सकते हो। ये कोई ओल्ड प्रोजेक्ट था उसका मैंने निकाल लिया, यहाँ पर एडजस्ट फैन के लिए कटिंग है। ये देखिए एक मेरे पास एडजस्ट फैन है जो कि कंप्यूटर का काफी अच्छा है और ये लगने वाला है कुछ इस हिसाब से, आपकी साइड इसका मुंह है होगा। चलिए दोस्तों फटाफट इस बॉडी के अंदर इस सारे सिस्टम को फिट करते हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं इस प्लाईवुड का आपको डायमीटर बता देता हूँ वरना फिर आप कमेंट करोगे। तो ये है 30 सेंटीमीटर और कुछ इस हिसाब से है ये 14 सेंटीमीटर और इसी हिसाब से ये बॉक्स है, इसकी लंबाई है वो है पूरी 16 सेंटीमीटर और ऐसे है 14 सेंटीमीटर। लगता है भगवान ने इसी के लिए इसे बनाया है, एकदम फिक्स आ रहा है। चलिए फटाफट ये एडजस्ट पेन यहाँ पर फेविक्विक कर दें। फाइनली दोस्तों मैंने एडजस्ट फैन तो लगा दिया है, चलिए अब ट्रांसफार्मर इस बॉक्स के अंदर ही लगाते हैं। वो भाई ये हीट हो रखा है दोस्तों, रियली में हीट बहुत ज्यादा होता है और इधर वाली साइड से इसे लगाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बॉक्स चिपकाने के लिए डबल साइड टेप का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों इसके नीचे की साइड भी मैंने डबल साइड टेप है उसे लगा दिया, फटाफट इसे भी अंदर फिट कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके कनेक्शन पर आते हैं। कनेक्शन के लिए मैंने क्या किया, ब्लू और ब्लैक वायर के अंदर 2 वायर दे दिए हैं और ये काफी हैवी वायर है, लगभग 1.5 mm के हैं। एग्जॉस्ट फैन को पावर देने के लिए दोस्तों यहाँ पर मेल फीमेल सॉकेट का मैं यूज करने वाला हूँ जो कि इस एग्जॉस्ट फैन के साथ अटैच कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं इसके सामने कनेक्शन पर, तो ये वाली लीड है इसको मैं एक साइड फिट कर देता हूँ, इसका हमारे कोई यूज नहीं है। फाइनली दोस्तों इसका कूलिंग सिस्टम और फिटिंग तो बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए मैं इसको पूरा उल्टा कर देता हूँ फिर भी नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किया, जैसा आपने देखा है मैंने पीवीसी पाइप की सीट लगा दी है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अब होगा इसका मेन स्टेप। अब दोस्तों ये पॉइंट इसका मेन है, प्लीज आपको केयरफुली सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर आउटपुट में 3 वायर निकल रहे हैं, इन दोनों में आ रहे थे 18 वोल्ट और इन दोनों में ये है मिडिल वाला, तो इन दोनों में हम चेक करते हैं तो 7 वोल्ट आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, कोई हैवी वेल्डिंग करनी है तो इन दोनों का यूज करेंगे, वरना कोई नॉर्मल जैसे कोई पत्ती का वेल्ड करना है तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, जैसे सेल को वेल्ड करना है। तो अब बात करते हैं कि भैया ऐसे तो हम वेल्डिंग करेंगे नहीं, तो कुछ तो चाम झाम चाहिए होगा, तो यहां पर मैं ऐसा ताम झाम उसे लेके आ गया हूं। अब ये क्या है, ये 2 क्लिप है 10 रुपए की, आपको इजी देखने को मिल जाएगी, और एक क्लिप को अपन को कौन से ब्लू वायर के साथ अपन को अटैच कर देना है, क्योंकि ये एक कॉमन रहने वाला है। एक ब्लू वायर की जरूरत तो अपन को पड़ेगी अगर हम 7 वोल्ट से वेल्डिंग करेंगे तो भी, अगर हम 18 वोल्ट से वेल्डिंग करेंगे तो भी। तो फटाफट मैं इसके साथ इसे अटैच करता हूं, काफी अच्छे तरीके से आपको अटैच करना है वरना यहां पर भी वेल्डिंग हो सकता है।
अब भैया इनका क्या यूज होने वाला है, तो अभी मैं आपको छोटी सी वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम स्केल के वेल्डिंग करने वाले हैं, तो ये क्लिप है ना, ये कुछ इस प्रकार से हम लगा देंगे इसके, और यहाँ पर रखकर हम वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर अपन को हैवी वेल्डिंग करनी है तो ब्लू वायर यूज करेंगे, अगर नॉर्मल करनी है तो रेड वाला। लेकिन अब भैया हाथ में सीधा पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, जलेगा नहीं, बहुत भयंकर तरीके से जल जाएगा। तो अब हाथ को कुछ सेफ्टी के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया। ये क्या है, ये है एक बांस की पाइप बोल सकते हो, या फिर बांस की लकड़ी है जिसके अंदर आर पार छेद होता है। आप चाहो तो नॉर्मल लकड़ी में भी छेद कर सकते हो ड्रिल से। और एक मैंने काफी हैवी सरिया ले लिया है, और ये है अप्रोक्स 2 mm का। तो ये इसके अंदर फिट तो नहीं आता, इसको हमें फिट करना पड़ेगा। इसके सामने वाले हिस्से को मैंने काफी शार्प कर लिया, जिससे अच्छे तरीके से वेल्डिंग भी कर सकते हैं और छोटे छोटे टांके भी लगा सकते हैं। और पीछे से मैंने इसको घिस लिया है। ये घिसा क्यों है, क्योंकि ये जो क्लिप है ना एक और, इसके अंदर भैया ये काफी मोटी रोड है तो ये आती नहीं है, तो मैंने इसको घिस लिया है। अब ये काफी अच्छे तरीके से आ जाएगी, फटाफट इसके अंदर इसको फिट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने इसे काफी अच्छे तरीके से रेडी कर दिया। ये देखिए इसके पीछे मैंने क्लैंप लगा दिया है, और इससे हम दोनों वायर के साथ अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए हैवी वेल्डिंग करना है तो कुछ इस हिसाब से कर लेंगे, और स्लो अपन को नॉर्मल वेल्डिंग करना है तो इस रेड वाले से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने डबल सॉकेट पिन ली है, आप चाहो तो इसको पीवीसी पाइप की सीट से भी बना सकते हो। और इसमें क्या होने वाला है, मान लीजिए अगर हम हैवी कर रहे हैं या फिर लो कर रहे हैं तो एक वायर तो बचने ही वाला है, तो एक वायर को यहाँ पर हम क्लैंप कर देंगे एक साइड, जिससे ये बीच में कोई दिक्कत नहीं करेगा। फाइनली दोस्तों आपके सामने हाजिर है अपना नन्ना मुन्ना वेल्डिंग मशीन, एकदम बिल्ड क्वालिटी के अंदर है। और ये देखिए इसका सामने से लुक देखिए, अभी आपके सामने पिक्चर होगी क्योंकि अभी हमने ट्रेलर देखा है। चलिए दोस्तों फटाफट इसकी पिक्चर रेडी करते हैं, इट मींस टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों इसका एग्जॉस्ट फैन चलाने के लिए यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का अडैप्टर यूज कर रहा हूँ। तो ये है इसकी मेल सॉकेट, फटाफट इसको अटैच करते हैं। और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट फैन है वो चलना शुरू हो गया है, और इसकी आवाज सुनना आप। आई होप दोस्तों आपने आवाज से अंदाजा लगा लिया होगा कि कितनी भयंकर स्पीड है इसकी, एकदम कूल कूल कर देगा इसे। और ये है इसका हत्था, हत्था भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको ऑन करते हैं और इससे वेल्डिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं वेल्डिंग करने के लिए कुछ आइटम लेके आया हूँ लोहे के, और इन सभी पर वेल्डिंग करके देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस पतले से चद्दर टाइप से, और बिल्कुल पतली से। इसके ऊपर मैंने पहले डेमो करके देख रखा है, काफी अच्छे तरीके से वेल्डिंग होता है। तो चलिए अभी आपके सामने लाइव करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, और ये देखिए एग्जॉस्ट फैन है वो चलना शुरू हो गया। और एक बार मैं आपको स्पार्क दिखाऊं, तो इनका स्पार्क देखना, ये देखिए स्पार्क है वो हो रहा है। ओ भाई ये देखिए स्पार्क हो रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ पर क्लैंप कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने प्रूफ भी कर दिया, यहाँ पर हाथ लगा रखा है अभी इसके अंदर, और अभी भैया लाइट आ रही है इसके अंदर। चलिए अब वेल्डिंग करना शुरू करते हैं। इस प्लास की सहायता से मैं इसको लाइव बोर्ड है इसके ऊपर पकड़े रखूंगा। वाह क्या वेल्डिंग कर रहा है, अभी आपके सामने देखना। यहाँ पर दोस्तों मैंने वेल्डिंग तो कर दिया है, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसके ऊपर मैं रख देता हूँ, यहाँ पर ये ठंडा हो जाएगा। और अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ, काफी हीट है दोस्तों, आपको हाथ नहीं लेना है इसे, प्लास से ही करना है सारा काम। अभी देखना दोस्तों आपके सामने लाइव मैंने इसके ऊपर वेल्ड किया है, और ये देखिए काफी अच्छे तरीके से वेल्ड हो गया। ये देखिए एक बार आप पास से देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से वेल्ड है वो हो गया है। इसी मैंने मशीन से आपके सामने भी लाइव किया है, और अभी इनको दूर दूर करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो। ओ भाई ये नहीं होने वाला, अलग मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों इनको अलग अलग करने की, बट ये अलग अलग हो नहीं पा रहे हैं। ये देखिएगा आपके सामने काफी अच्छे तरीके से वेल्ड हुआ है। अभी दोस्तों हमने 7-8 वोल्ट के करंट से इसको वेल्ड किया, अगर हम इसको 18 वोल्ट देते ना तो यहाँ पर ये देखिए छेद हो जाते, मतलब गर्म होकर उछल जाता है पूरा का पूरा लोहा यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके हैवी वेल्डिंग करके देखते हैं कि आप कर पाता है या फिर नहीं। ओ भाई ये क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने पूरी ट्राई कर ली, ये देखिए यहाँ से गर्म होना शुरू हो गया, बट इसके ऊपर वेल्डिंग नहीं हो पा रही है। दोस्तों आपको सारा काम सेफ्टी से करना है, वरना ये देखिए क्लिप इतनी ज्यादा हीट हो रही है, यहाँ से लकड़ी भी जला दे रही है। फाइनली दोस्तों आपके सामने मैंने पूरी लाइव प्रूफ टेस्टिंग करवा दी है, और ये चश्मे भी मैंने लगा रखे थे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। आपको गोगल या फिर चश्मे का जरूर यूज करना है दोस्तों, इतना मेरे से वादा कीजिएगा, बेशक लाइक मत करना लेकिन इसका जरूर यूज करना यार, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं वेल्डिंग करते टाइम चिंगारियां है वो अपने आंखों पे आके गिर सकती है, या फिर वेल्डिंग से अपने भी खराब हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका यूज आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में करना है, जैसे एक लिथियम आयन सेल है उसके ऊपर हम सोल्डरिंग से वायर कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वहां पर आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, इजी से कनेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये मिनी वेल्डिंग मशीन आपको पसंद आई होगी, पसंद आई जरूर वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। उनको दोस्तों एक बार वीडियो छोड़ के मत चले जाना, इस ट्रांसफार्मर का मैंने ब्लॉग अपलोड किया था जिस पर मैंने कहा था कि कौन एकदम सही कमेंट करेगा जिससे हम क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले, तो एक भैया ने कमेंट किया था उसका मैं नाम यहां पर पिन कर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रोजेक्ट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक जय जय भारत।